जयपुर में एसीबी की जोन 9 में बड़ी कार्रवाई चल रही है। 7 घुसखोरों को पकड़ा गया है और ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर जरा देखिएगा। चूंकि एसीबी लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, अब आपको लाल घेरे में वो 7 आरोपी दिखा रहे हैं, घुसखोर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक तहसीलदार, 3 गिरदावर, 1 जेएन, 1 पटवारी, जिन्हें घूस लेते पकड़ा गया और ये 1 लाख से अधिक की घूस बताई जा रही है। अब सवाल ये भी, चूंकि 7 लोगों के अलावा 8 से 10 लोगों को डिटेन करने की बात हमारे सहयोगी बता रहे थे, क्या उनकी भी संलिप्तता इसमें है या फिर घुसखोरी में वो भी पहले से साथी रहे हैं या फिर उनकी कोई भूमिका नहीं, ये तो एसीबी की कार्रवाई पूरा होने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन आज बिग रेड जयपुर में हुई, एसीबी की जब आरोपियों के आवास पर भी तलाशी अभियान चल रहा है, लैंड कन्वर्जन यानी कि भूमि रूपांतरण के नाम पर घुसखोरी की बात सामने आई है और फर्स्ट इंडिया ने आपको पूरी हकीकत से भी रूबरू करवाया। फर्स्ट इंडिया के कैमरे पर पीड़ित अपनी बात रखते भी दिखाई दिए, हालांकि उनके आरोप कुछ और थे। कुछ एक ने घुसखोरी से इनकार किया, लेकिन उन्होंने कार्य में जिस तरह से आनाकानी हो रही थी उसकी बात जरूर की। अब जानकारी एसीबी के बड़े धमाके के बाद लाल घेरे में ये वो महिला कार्मिक जिसे एसीबी ने पकड़ा है और दूसरी तस्वीर, दूसरी तरफ जोन 9 जिसमें पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। एसीबी के अधिकारी मौके पर और एसीबी के अधिकारियों ने जोन 9 में गिरफ्तार कार्मिकों और जो अन्य रडार पर थे उन्हें पूछताछ के लिए रोका है। अब आवास पर तलाशी चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि और कई खुलासे, कई नाम इसमें शामिल हो सकते हैं जो सामने जल्द ही आ भी जाएंगे। लेकिन अब एसीबी पता लगाने में जुटी है कि कितने समय से घूसखोरी का खेल चल रहा था, कौन कौन लिप्त है, कितनी बार घूस मांगी जा चुकी है, कितनी बार घूस की रकम प्राप्त की जा चुकी है, कितने परिवादी हैं, कितनों की शिकायत है, किस किस के साथ घूसखोरी का खेल हुआ है। चूंकि सरकार की मंशा भी राजस्थान को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करने की, अभी भ्रष्टाचारी किसी भी विभाग में बैठा हो, किसी भी पद पर बैठा हो और कितनी की भी रिश्वत की डिमांड की गई हो, भले ही छोटी रकम भी हो, लेकिन अगर उसने जनता को परेशान किया है, उसने घूसखोरी की है, तो फिर वो एसीबी के रडार पर होगा।